आज की एक अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड ये होगा। रेडियो पर इस कार्यक्रम को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। मन की बात के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की थी और आज ये 104वां एपिसोड मन की बात कार्यक्रम का होगा, जिसका प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के बखमूत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतियेश मोरवियेत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया, वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो दो दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी।